शोना उठ गया मेरा शान परी और सबको सुला के रखा अपने पास। गुड़िया रानी टेडी बियर सबको सुला दिया है ना, सबको सुला दिया है। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ टेडी बियर डॉल्स हो रही हैं। टेडी बियर डॉल्स हो रही हैं। हाँ देखो टाइगर्स हो रहे हैं, मंकीज हो रहे हैं। अपनी छोटी दिखाओ तो, ये आरिका की चोटी बना के सोई, कितनी क्यूट लग रही है ना। आप लोग बताना कमेंट करके आरिका कितनी क्यूट लग रही है ना। बनाओ क्या बनाओ? नूडल्स। नूडल्स? नूडल्स नहीं, सैंडविच बनाया मैंने। सैंडविच सबने खा भी लिया और आप रह गई हो अभी सोती सोती। पैर आ रहा है अंदर, पैर नहीं आना है। आप कुछ बोलना चाहोगी? नहीं कुछ नहीं, ठीक है बाय कर दो फिर। आरिका भी सो के उठी है इसलिए बात नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स आज आरिका रेसिपी शेयर कर रही है मम्मा को देख देख के, और बिटिया रानी भी सेफ बनी जा रही हैं। तो आज बनाएगी आरिका कच्चे आम की पॉप्सिकल, जो कच्चे आम का वो टॉफ़ी आती है ना उसका बनाया है। तो आप देखिएगा और इसकी जो है तो देखिए मैं आज बना रही हूँ मैं पके आम से कुल्फी पॉप्सिकल आइसक्रीम। तो देख सकते हैं ये आप कितनी अच्छी हो गई है और नाइस भी हो चुकी है। इसमें क्या क्या डाला आपने? इसमें डाला है मैंने 1-2 गिलास पानी और चीनी, और बस उसका उसको तोड़ के पॉप्सिकलों को फिर कटोरी में डाला फिर इसके अंदर, फिर ये पिघलने के बाद हम लोग इसको गिलास में डाल के इसको जमा देंगे। तो रात तक जम जाएगी तो हम सुबह खा लेंगे, सुबह के बाद रात, रात के बाद शाम, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड, लव यू ऑल। सब तो फ्रेंड्स अब मैं नींबू डालने वाली हूँ इसके अंदर, देखिए फिर मीठा हो जाएगा। खट्टा खट्टा मीठा सब हो सकता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, कभी आपने बनाया नहीं होगा पॉप्सिकल्स। अगर आपको बच्चों को ये पसंद आएगी तो आप बना सकते हैं। अब मैं मुझे इसको मिला देना चाहिए। हाँ और अरे मेरे तो और ढक्कन नहीं है ना। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ये थर्सडे का ब्लॉग है। तो अभी मैं सारा काम कर चुकी हूँ, नहा ली हूँ, धो ली हूँ, सारा काम कर ली हूँ। इधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, देख सकते हैं बालकनी में मेरे कपड़े पड़ गए हैं, और मेरी साफ़ सफाई सब हो गई है। और अब उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी लंच करने के लिए। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सभी से, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप सभी कैसे हैं। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में वापस बात करते करते। तो आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और मेरे दो चैनल हैं, एक मेरा ये है और एक मेरा पुष्पलता किचन है। अगर अभी तक उस चैनल को आप सभी ने नहीं ज्वाइन किया हो तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत टाइप के वीडियो डालती हूँ, हेल्थ रिलेटेड होते हैं, हेयर रिलेटेड होते हैं, रेसिपी बहुत प्यारी प्यारी होती है और हेल्थ टिप्स होते हैं। तो उसको भी आप सभी देखा करें, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं और कितना सन्नाटा है, और धूप तो कितनी तेज़ है, और चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही है ना, चिड़िया भी नहीं दिख रही है।
और रोड तो एकदम खाली है। दिखाती हूँ बालकनी में से, थोड़ा सा दिखेगा, दिखाती हूँ आप सभी। रोड है, ये जो दो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये रोड है। और यहाँ पे ना हमेशा बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, बहुत सारे सब खड़े रहते थे। अभी देखिए एक भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई सब लोग डर के अपने घरों में छिप गए हैं, क्योंकि डरना लाजमी है, क्योंकि अगर डरेंगे नहीं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जी। और ये अभी अपने आप निकली हैं, गमले में मैंने जो तुलसी जी थोड़े सूख जाती है ना उनको डाल दिया था, तो फिर वो इस तरीके से अभी इतनी बड़ी हो गई हैं। और ये मेरे, ये है मनी प्लांट, तो इसको मैंने यहीं नेट पे चढ़ा दिया है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। दो ही पौधे हैं क्योंकि बहुत जगह नहीं है, एक वो है और तुलसी जी एक सूख गई हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा मौसम ऐसा होता है। धूप देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ है, बहुत। वहाँ गार्डन में देखिए पानी डाल रहे हैं माली। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये बैटर रेडी कर रही हूँ इडली बनाने का, और कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसका मैं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं रात भर के लिए, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इडली बनाऊंगी कल। क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या है? इडली बैटर बना रही हूँ, इधर देखो। अरे ये है ना, ये इडली रखने वो अंदर है, अंदर है। तो अभी देख सकते हैं आरिका की फेवरेट इडली बैटर बन गया। वो अप्पम बनेगा उसमें, वो अप्पम बनाने का है। रख दो अंदर, रखो। वो नमकीन बनाने का, रख दो बेटा। मैं नमकीन बनाऊंगी। ऐसा नहीं बनता है, चलो। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अभी ये हो गया है और हमने निकाल लिया है, और इसको अब हम निकालेंगे। तो इसको पहले इस तरह से पानी में कैसे अच्छे से नहीं किया, निकालो। ये दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अरे मारिका की क्या बन गई है ये, बताओ क्या बना है? पॉप पॉप स्टिकर। हाँ दिखाओ, पास से दिखाओ। तो आरिका ने घर पे पॉपसिकल बना लिया है, यम्मी यम्मी। तो ये तो बाजार से नहीं सकते। हाँ बाजार से तो ला नहीं सकते, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर पे तो बना सकते हैं ना पॉपसिकल। हाँ ऐसे चूस चूस के खाओ, आप तो काट काट के खा रही हो, मुझे भी खिलाओ। यम्मी, बहुत टेस्टी लग रहा है, टॉफी की तरह। जल्दी जल्दी खा रही, पिघल जाए। अरे सब गिर रहा है, पोछा लग गया, गंदा हो जाएगा घर। पोछा लगा दिया मैंने, सब टपका दिया आपने। ये प्लेट जाओ, प्लेट ले लो जाओ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग था। और आरिका ने कितना अच्छा सा बनाया था पॉपसिकल्स, और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, गर्मी में खा के मज़ा आ गया। और आप भी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत टेस्टी बना था। और बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी फुल रेसिपी भी शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। और क्योंकि आरिका पहले खुद ही कर रही थी, मैंने फिर हेल्प नहीं की, बाद में फिर मैंने उसकी हेल्प की थी, इसलिए पूरा वीडियो नहीं ले। अगर पूरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। बाय बाय।